नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टोत्र में। माँ लखना को प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे घर में सबके साथ, और कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज चर्चा करेंगे विशेष चीज़ की। जैसा कि शनि मकर राशि में कुछ टाइम पहले गए थे, तो शनि देव के बारे में आज और कुछ बताना चाहता हूँ। ये कुछ आदतें हैं, अगर आप में भी हैं तो ऐसे लोगों को शनिदेव कभी भी नहीं परेशान करते। अगर ये कुछ आदतें हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको परेशान नहीं कर सकते। तो आज कुछ आदतें बताऊंगा, अगर वो आप कलयुग में अगर वो आदतें आपके अंदर हैं तो शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे, हमेशा लाभ देंगे। तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, अगर वो आदतें नहीं हैं तो सुधार लीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। तो क्या वो बात होती है? देखिए, शनि कहीं ना कहीं लोअर तबके के प्लैनेट, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, शनिदेव ना कहीं ना कहीं दंडाधिकारी है, कर्म के प्लैनेट है। तो इन सब चीज़ों को बड़ा वो तोल मोल के देखते हैं। उसी के साथ साथ लोअर तबके के साथ समस्या क्या, हर कोई उनको दुत्कारता है, उनसे अलग अलग तरह के काम कराता है। तो उसी से उलट शनि जो चाहते हैं कि आप वैसा बने, अपने कपड़ों को साफ रखें, अपने आप को साफ रखें, तो शनि जो कहीं ना कहीं इन आदतें अगर आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं लाभ देने लगते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ मैं, कुंडली में तो चीज़ें होती होती हैं, ब्लस्ड अगर आप में कुंडली अगर ब्लस्ड है शनि तो बहुत अच्छी बात, तो ये उपाय कर लें और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कमजोरी भी है तो ये कुछ उपाय करके लाभ लिया जा सकता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कौन से वो उपाय होंगे जिससे लाभ लिया जा सकता है। नाखून काटते रहें, नियमित रूप से काटते रहें, इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलता है और शनिदेव मजबूत होते हैं। और हमेशा कोशिश करिएगा, मतलब कुछ दिन होते हैं जब नाखून नहीं काटने चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन नाखून कभी मत काटिए। तो नाखून रेगुलर काटना चाहिए। जिन लोगों के नाखून बड़े हो जाते हैं ना, उनको शनिदेव दिक्कत देते हैं, तो हमेशा नाखून काटते रहना चाहिए। अमावस्या का दान बहुत शुभ होता है, यही दूसरी आदत है। अगर आप भी अमावस्या का दान करते हैं, निश्चित तौर पर लाभ। कहते हैं शनिदेव उन लोग को बहुत लाभ देते हैं जो लोग अमावस्या का दान देते हैं। उसी के साथ साथ शनिदेव के लिए खास तौर से छाते का दान बहुत लाभकारी माना गया है। तो अपने अंदर आदत बना ले, हर बारिश में, हर सावन मास में छाता जरूर दें किसी नीडी पर्सन को। निश्चित तौर पर ये एक आदत भी शनिदेव को बहुत मजबूत करती है और कुंडली में लाभ पहुँचाती है। चौथी आदत, कुत्तों का सेवन करें। कुत्तों को जरूर कुछ ना कुछ दान, और कभी भी गलती सुने मारे नहीं, दुत्कारे नहीं। ये छोटी सी आदत भी कहीं ना कहीं शनिदेव को प्रसन्न करती है और इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। नेत्रहीन को रास्ता दिखाना भी कहीं ना कहीं शनिदेव बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को बलशाली बनाते हैं, धन धान से पूर्ण बनाते हैं, जो लोग नेत्रहीनों की सहायता करते हैं उनको आप दान भी दे सकते हैं, निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। सफाई कर्मियों को दान देने से निश्चित तौर पर उनका पैसा ना मारने से लाभ मिलता है और शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय कर लेने से निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। तो सफाई कर्मियों पर भी आपको सबको जरूर अपनी नज़रें इनायत करनी चाहिए। उसी के साथ साथ शनिदेव का उपवास कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। ज़रूरतमंद, खासतौर से अगर वो अपाहिज है, उसको किसी भी तरह का दान, उसकी किसी भी तरह की सहायता से शनिदेव मजबूत होते हैं, लाभ मिलता है। तो ये छोटी छोटी बातें जिनसे शनिदेव को मजबूत किया जा सकता है। अगर ये आदतें आपके अंदर भी हैं तो शनिदेव हमेशा आपको लाभ देंगे। इस कलयुग में कहा ही गया है कि शनिदेव को खास तौर से प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करनी है। इसके अलावा माता पिता का सम्मान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। माता पिता का अगर आप सम्मान नहीं करते तो शनिदेव बड़े रुष्ट होते हैं। उसी के साथ साथ शमी के पौधे की सेवा भी कहीं ना कहीं शनिदेव को लाभ देती है। उसी के साथ साथ पितरों का साथ ऐसे लोगों को प्रॉपर करना चाहिए अगर आपको लगता है शनिदेव से आप परेशान। उसी के साथ साथ खास तौर से दो भगवान ऐसे जिनकी पूजा करनी चाहिए जिससे शनिदेव बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं, एक भगवान कृष्ण, दूसरे भगवान शिव। इनसे तुरंत लाभ के लिए आप पूजा कर सकते हैं। तीसरे भगवान है भगवान हनुमान, इनकी पूजा करने से भी शनिदेव वरदान दे देते हैं। तो ये तीन भगवान की पूजा जरूर करिए। उसी के साथ साथ ईमानदारी से काम करिए। घर में एक रुपया भी नंबर दो का नहीं आए, नहीं तो शनिदेव हिसाब कर लेते हैं। गलती से भी अगर शनि की दशा महादशा आ गई तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग वापस बर्बाद हो जाते हैं और इनको खास तौर से फिर बहुत नुकसान होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से ध्यान देना चाहिए। शराब से, पराई स्त्री से दूर रहना भी कहीं ना कहीं शनिदेव की एक अच्छी आदतों में सामने शुमार है। उसी के साथ साथ सात मुखी रुद्राक्ष शाकाहार भी अगर आप धारण करते हैं आपको लाभ मिलता है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर ये कुछ आदतें आपके अंदर भी हैं तो शनिदेव जनरली आपको परेशान नहीं करेंगे, लाभ ही लाभ देंगे। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुँचाइए। हम उससे जुड़ने के लिए एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पर टाइप करिए, उससे डायरेक्ट जुड़िए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत।